शनिवार हनुमान जयंती नो अनोखो समन्वय थई रह्यो होय जेने लईने भक्तोमां आजनो आ महिमा भर्या दिवस ऊपर पवनपुत्र हनुमानजीना दर्शन करी धन्यता प्राप्त करी हती। बटा रोड न्यू सेटेलाइट मंदिर खाते आवेली महालक्ष्मी मंदिर में हनुमान जयंती निमित्ते हवन उपरांत महाप्रसाद नु आयोजन करायु हतु। शनिवार हनुमान जयंती निमित्ते खास करी हवन भक्तों में पण अनेरो उत्साह जोवा मळ्यो हतो। हनुमान सालगिरी लईने महालक्ष्मी मंदिर में योजवामां आवेला अनेक विविध कार्यक्रमों में भटार उपरांत न्यू सेटेलाइट विस्तार मांथी पण अनेक लोको आ मंदिर में उमटिया हता अने हवन तथा प्रसादी नो लाभ पण लीधो हतो। श्री महालक्ष्मी शक्तिपीठ महल बंगले के पास में सुबह आई विटनेस के सभी दर्शकों को से नमस्कार, जय माता की, जय श्री कृष्ण। आज क्या प्रोग्राम रखा गया था माँ? आज क्या प्रोग्राम रखा गया था? आज का प्रोग्राम श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम है और यहाँ पे माँ मंडलेश्वर जी पधारे हैं और अवधेश महाराज पधारे हुए हैं और माँ मंडलेश्वर पार्वती माई और किन्नर अखाड़े के पार्वती माई और विष्णु त्रिपाठी तरीके से आके यहाँ जा चुके हैं और हवन का कार्यक्रम है। इधर हनुमान जी उनकी पत्नी के साथ विराजमान है जो पूरे भारतवर्ष में एक मंदिर साउथ में है, दूसरा अपने यहाँ पर आशीर्वाद भक्तों का आशीर्वाद दे रहे हैं। इधर शनि महाराज जी हैं, उनके अष्टपत्नी के साथ विराजमान है जो अद्भुत सभी भक्तों का आशीर्वाद देते हुए उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। मंदिर की खासियत क्या अपने मंदिर? मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है श्री महालक्ष्मी माता का मंदिर है, महालक्ष्मी स्थान है और विशेषता यह है कि हनुमान जी और उनकी पत्नी के साथ पूरा विश्व में कहीं दर्शन करने को नहीं मिलेगा, खाली एक साउथ में है और दूसरा अपने यहाँ पर है, जो विशेषता यह है और माँ लक्ष्मी माता की सबसे। आज हनुमान जयंती पर नागरिकों को क्या कहना चाहते हैं? हनुमान जयंती के ऊपर समस्त हिंदू भक्तजनों को यह संदेश देता हूँ कि हमेशा सद्भावना बनी रहे, धर्म के प्रति हमेशा सभी का विश्वास सुदृढ़ रहे और विश्व कल्याण के लिए हम यहाँ यज्ञ भी चालू है माता महालक्ष्मी शक्ति का और सद्भावना बनी रहे।